हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। हाँ, अब तो मैं बोल ही सकती हूँ वेलकम बैक टू माय व्लॉग, क्योंकि रोज़ाना मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं इसलिए। और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आज काम वाली नहीं आए, सो मैं पूरे घर का लगभग काम हो गया है। और अभी मैं मेरा रूम है वो थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि चिकू आज लेट उठे हैं, क्योंकि वो रात को गए थे गश्त लगाने के लिए, इसलिए तो लेट उठे हैं काफ़ी। तो यहाँ पर थोड़ा मैस है, तो मैं इसको कर देती हूँ क्लियर, एंड देन मैं आपसे मिलती हूँ। और फिर जाना है हमको शॉप पर, तो मैं खाना भी जल्दी से बना ही लेती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। और मैं यूँ बोल रही थी ना कि मैं लाई थी मेरी शॉप से दो चीज़ें। एक तो लाई थी मेरा बॉडी वॉश, जो कि ख़त्म हो गया, तो वाओ का ही लेके आई थी मैं। मुझे वाओ का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि मैं यानी बहुत टाइम से मैंने सोप यूज़ किया ही नहीं है, मैं सिर्फ बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ। तो और बॉडी वॉश के रिज़ल्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं गुड हेयर के लाई हूँ तीन और प्रोडक्ट, वो भी मम्मी के लिए शॉप से, क्योंकि मम्मी के भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। सब कुछ यूज़ करके देख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर मैं मम्मी के लिए लाई हूँ ऑनियन सीरीज़, आप देख सकते हो, ये है ऑयल, ये है कंडीशनर, एंड ये है शैम्पू। और इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, और मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अब देखते हैं इसका वर्क कैसा है, क्योंकि जो दूसरा है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये वाला मैंने मम्मी को इसलिए सजेस्ट किया है क्योंकि मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो इसके रिज़ल्ट तो और अच्छे होंगे, क्योंकि अगेंस्ट डैंड्रफ, डैंड्रफ को भी यानी क्या कहते हैं ख़त्म कर देगा, और हेयर लॉस को भी। तो मेन है हेयर लॉस रुक जाना चाहिए और रीग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि सारी लड़कियों का ड्रीम रहता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हों, जो कि मेरा भी है, यानी सभी का होता है। और लड़कियों को अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, कुछ ही होती है जिनको नहीं होता है, बाकी सबको होता है। ये अभी हो गई हूँ मैं फ्री, बर्तन वगैरह धोने बाकी है, तो वो कपड़े धोने वाली ही बाई आएगी, वो धो रही है। और मैं यहाँ पर अभी मेरा बैग पैक कर रही हूँ, यानी पर्स, मेरा ईयरबड्स ले लेती हूँ, मेरा फ़ोन दे रही थी, सलोन का भी फ़ोन अंदर ही है। बहुत हो गई हूँ लेट, काम वाली का बड़ा झंझट है, अब शायद ही आएगी ये काम वाली, ऐसा लग रहा है। पर्स हो गया है रेडी, चलते हैं शॉप पर, और एक पार्सल है वो भी ले लेती हूँ, तो ये भी लगाना है इसलिए। तो बस अब चलते हैं, और चिकू को फ़ोन कर दिया, तो चिकू आने वाले हैं लेने के लिए, तो इसको मैं कर देती हूँ पार्सल को थोड़ा पैक। तो चलिए पार्सल भी ले लिया, मास्क लगा लेते हैं, ये आगे मैं बाहर अभी जूते वूते पहन लेती हूँ, एंड वी आर गोइंग, यस वी आर गोइंग, क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ ही जा रहे हैं इसलिए, और दुकान तक चले जाते। क्या बोल रहे हो, खाई क्या बोल रहे हो, अरे क्या मौसम हो रहा है, जोरदार, ऊपर पूरा काला और बाहर है पूरी धूप, यहाँ पे भी काला हो रही है धूप। अभी आ गई हूँ मैं शॉप पर, और अभी मैं करवाऊंगी हेयर वॉश, तो ले जाती है पर्स लेके अंदर चली जा, मैं शैम्पू स्टेशन पे जाके बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैंने कल ही करवाया था ऑयलिंग, तो चलिए आज वॉश करा लेती हूँ। हाँ मज़ा आ गया, मास्क भी रिमूव कर देती हूँ, नहीं तो गिला हो जाएगा, कल ही चेंज कराए इसलिए। मेरे गुड हेयर के शैम्पू कंडीशनर आ गए हैं, और ये टॉवल लग जाएगा अभी। गए हमारे न्यू ब्लॉगर, हेलो हेलो गाइस, ये है यश पंचाल, जो कि मेरा भाई है, और अभी इसने नया नया यूट्यूब चैनल खोला है, तो अभी ये डेली के डेली ब्लॉग्स डाल रहा है और बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करता है, कीप इट अप। इनका नाम है यश पंचाल ब्लॉग्स, यश पंचाल ब्लॉग्स है। हां जी, हां फ्रेंड्स, अभी शॉप पर आ गए हैं, और शॉप पर अभी ऑफ था वो क्लोज हो गया, यानी अभी ऑफ जो भी था वो बंद हो गया, सिर्फ एयर फ्रेशनर में है, एयर फ्रेशनर में है। और
एयर फ्रेशनर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अगर आपको बाय करने हों तो शॉप करो का है ही। वेबसाइट भी है, प्लस इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, आप मुझे भी कर सकते हो, शॉप करो पे भी कर सकते हो। थक गए, अभी गए थे हॉस्पिटल, ज्योति की तबीयत हो गई है थोड़ी सी ख़राब, उसको आ रहे थे चक्कर, तो अभी हॉस्पिटल लेके गई थी, फिर दवाई लेने के लिए मना बोल रही थी, पर मैंने बोला दवाई ले ले, थोड़ी सी जो वीकनेस आ गई है वो रिकवर हो जाएगी, ले लेना ठीक है याद से। सारे इसके अंदर जो भी टेस्टर्स है वो हमने जमा दिए हैं, और ये रहे हमारे परफ्यूम्स, और इनमें से सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है ये वाला सैक्रिफाइस, और इवोक तो सारे ही अच्छे लगते हैं, ये दो भी अच्छे लगते हैं और हम भी अच्छा लगता है, ये सारे लगभग मेरे फेवरेट ही है, ये नीचे वाले जो भी है बहुत अच्छी है, सबकी फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी है, ये सारे ओकेजनली बहुत अच्छे हैं और ये रेगुलर में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये हमारा वाव का और ममार्थ का काउंटर है, ये हमारा मिशेल का काउंटर है, ये इधर लॉरियल का है, लॉरियल का जो हम होम केयर देते हैं सलून से वो, और ये हमारे एयर फ्रेशनर के डिस्पेंसर्स हैं, और ये है धूप, सॉरी ये दवाइयाँ रख दी है ज्योति ने यहाँ पे, ये है धूप, ये सारे हैं फेस वॉशेज, और ये है सारा बॉम्बे शेविंग का बीए काउंटर, ये सब आ गई है सब्जियाँ और अब इनको करेंगे हम वॉश। ये हमारी सब्जियाँ मैंने पानी में डिप कर दी हैं, अब इनको वॉश करना है, वॉश करना है अच्छे से, टोकरी लेके आती हूँ फिर इनको लेके जाती हूँ अंदर, यानी तब तक पानी में अच्छे से मिट्टी वगैरह सब हट जाएगी जो भी गंदगी है ऊपर। ये सब्जियाँ धुल चुकी हैं और अभी एक भिंडी या फिर टिंडोरी में दोनों में से कोई एक चीज़ काट दूँगी खाना बनाने के लिए, तो और थोड़ा सा लेके आ दूँ। ये हमारी हियू रानी सो रही है और इसको अब मम्मी के रूम में शिफ्ट कर रहे हैं जी को, ये कल के ब्लॉग में देखेगी मजा आएगा। ग्रेट सक्सेस। अभी मैं फ्री हो गई हूँ, फ्री तो क्या हुई हूँ, बर्तन तो मैंने रहने दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी और खाना वगैरह सब बनाना था, जैसे बर्तन रहने दिए, सुबह करूँगी बर्तन तो उठ के, क्योंकि भाई जी तो है नहीं इसलिए मैं ही हूँ ऑल टाइम भाई जी, इसलिए चलिए अब थोड़ा कुछ काम कर लेते हैं और कुछ आपको बता भी देते हैं। मैं आपको एक, जब मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग की थी तब मैंने आपको गुड हेयर का एक और नया प्रोडक्ट दिखाया था, वो मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देती हूँ, वो मैं लेके आई हूँ मम्मी के लिए क्योंकि मम्मी को भी हेयर लॉस की अभी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वर्क किया है यानी मेरे लिए डैंड्रफ वगैरह के लिए, तो चलो इसकी हेयर ग्रोथ वाला भी तो अच्छा होगा, तो दोनों का यानी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा हम पर ही, और मैं आपको उसका प्रॉपर रिव्यू दे पाऊँगी, तो इसका भी मैं कुछ दिन बाद जो रिजल्ट है वो मैं आपको बताऊँगी, चलो इसकी अनबॉक्सिंग ही कर लेती हूँ। ये रहे हमारे प्रोडक्ट और सबसे पहले मैं अनबॉक्स करूँगी शैम्पू को, अनबॉक्सिंग करने में मैं बहुत ज़्यादा यानी कह सकती हूँ मैं बहुत ज़्यादा ख़राब हूँ अनबॉक्सिंग करने में, क्योंकि ये सब चीज़ें चिको ही करते हैं, उनको अनबॉक्सिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, यानी मेरी भी कुछ चीज़ आएगी ना तो इनको अनबॉक्सिंग करने में बहुत मज़ा आता है। ओहो वाओ व्हाट अ पैकेजिंग, कॉपर कलर का इसका कैप है और पूरी वाइट बॉटल है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। इसका अब काम भी देखेंगे हम कैसा है, ये मम्मी को मैं कल ही यूज़ करने के लिए बोलूँगी, आज तो मम्मी ऑयलिंग कर देंगे और कल फिर शैम्पू करेंगे,
तो हमको जो शैम्पू जो ऑयलिंग है वो ओवरनाइट ही रखनी है, ज़्यादा टाइम तक ऑयल नहीं रखना है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम ऑयल बहुत ज़्यादा टाइम तक रखते हैं, तो साथ में क्या डस्ट वगैरह भी होती है वो हमारे स्कैल्प में चली जाती है। पूरे प्रोडक्ट पर प्रॉपर रिव्यू चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अब आती है कंडीशनर की बारी। शैम्पू तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ओ हाँ है, दिमाग लगता नहीं है मेरा, ये सब चीज़ें आप ही करते हो ना। वन टू थ्री टन टन सेम है दोनों। शैम्पू यूज़ करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, कंडीशनर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो गए हमारे शैम्पू कंडीशनर, अब आती है ऑयल की बारी। इसमें पूरे कॉम्बोज भी हैं और ये अकेले अकेले भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अगर पूरा कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो भी ले सकते हैं। प्राइस तीनों की एक साथ लेंगे तो भी सेम पड़ेगी और कॉम्बो लेंगे तो भी सेम ही पड़ेगी। और ये आ जाती है ऑयल की बारी। ऑयल भी हमारा अच्छा है, साथ में कॉम्ब भी दे रखा है इसका, यानी हमको एप्लीकेशन में थोड़ी हेल्प हो जाए। तो आज ये करेंगे मम्मी के ऊपर ट्राई, यानी मम्मी ये तीनों प्रोडक्ट की कर दी है मैंने अनबॉक्सिंग। और इसके ऊपर आपको प्रॉपर रिव्यू चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। पैकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है सच में। आपको है ना ऑयलिंग पर, शैम्पू कंडीशनर पर जो प्रॉपर वीडियो चाहिए, यानी टिप, यानी शैम्पू कंडीशनर और ऑयल को तीनों को कैसे प्रॉपर यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो अगर कमेंट ज़्यादा होंगे तो मैं वीडियो बनाने का ज़रूर ट्राई करूँगी। और अब आ जाती हूँ मैं मेरे पर्सनल मिशेल के ऊपर। मेरे पास अभी मिशेल के कुछ लॉन्च होने वाले ऐसे प्रोडक्ट आए हैं टेस्टिंग के लिए, क्योंकि मेरा है बीए काउंटर तो, और मैं ब्यूटी एडवाइज़र भी हूँ और हमारे पास है बीए काउंटर मिशेल का। और मिशेल सच में बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो इनका यानी मैं टेस्ट करूँगी और फिर मेरे पास ये प्रोडक्ट आएंगे तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी मेरी वीडियो में, तो वो आप यानी परचेज भी कर सकते हो। और आपको अगर इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो परचेज कर सकते हो ना, इसलिए आपको मैं कितनी हेल्प करती हूँ कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। देख लो तो वीडियो को लाइक भी करो इसलिए, अगर कहीं ना कहीं हेल्प हो रही हो तो। आपको मैं बताने वाली हूँ एक ज़बरदस्त चीज़, यानी आपके सामने है उसका रिज़ल्ट, एक बार देखो और फिर मेरे को बताना। ये है 28 फरवरी की यानी मेरी मेकअप की फुटेज, और ये है रिसेंटली अभी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है। ये सारी फाइल हैं हमारी शॉप की इनॉग्रेशन की, ये भी एडिट होंगी और बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगी। आपने दोनों वीडियो देखी होगी, दोनों वीडियो में मेरे फेस का हालत देख लो। मैंने फैब में मिशेल यूज़ नहीं किया था, मैं खुद भी मिशेल यूज़ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ यानी मैं किसी ब्रांड को यानी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ख़राब है वगैरह, मुझे वाओ का भी विटामिन सी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव लग रहा था, पर जो मेरे फेस पर मुझे रिज़ल्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, जो मेरे एक्नेज वगैरह के दाग रह रहे थे। और मैंने इसके बाद यूज़ किया है मिशेल, और मिशेल ने क्या वर्क किया है मेरे फेस पर, यानी आप खुद देख सकते हो, आपने देख ही लिया है, मैं और तो क्या बताऊँ, है ना, एक नंबर चीज़। अगर प्रॉब्लम है तो यूज़ करो। इसी के साथ कर देते हैं व्लॉग का एंड, आज का व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कल मैं आपको बर्तनों की हालत दिखाऊंगी, देखना फिर बोलोगे सच में कितने थक जाते हो। चलिए, अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। बाय।